नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। इस संसार में जीवन क्षणभंगुर है, जिसके कारण लोग अपने पीछे अपने बच्चों के भविष्य के लिए बीमा करवाते हैं, ताकि उनके जाने के बाद उनके बच्चों को बीमा कंपनी से मिली राशि से सहारा मिल सके। पर अब ऐसा समय आ चुका है कि सहारा देने का काम करने वाली बीमा कंपनियां ही धोखेबाजी करने लगी हैं। बात कर रहे हैं सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशकों की, जिन्होंने वर्षों से अपने खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेश किया, लेकिन अवधि पूरी हुई लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब निवेशक अपने ही जमा किए हुए पैसों के लिए 3 वर्षों से एजेंट और कंपनी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। सहारा की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ और स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश करने वाले करीब 250 निवेशक अब पुलिस प्रशासन से अपने पैसों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी फंड नहीं होने का हवाला देकर उन्हें अटका कर रख रही है। ऐसे में वो अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करें? किसी के बेटी की शादी तो किसी के बच्चे को पढ़ाना है, और ऐसे और भी कारण है जिनके कारण निवेशक परेशान है। आइए सुनाते हैं कंपनी के निवेशकों का क्या कहना है। सर, ऐसी बात है कि सहारा में हम लोगों को पैसा जमा कराए थे, और उसमें पैसा जो है मैच्योरिटी होने के बाद भी पैसा नहीं दिया जा रहा। 3-3 साल हो गया सर, अभी तक पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक डेथ क्लेम तक नहीं दिया जा रहा। 3 साल हो गए, 2019 का डेथ क्लेम है सर, अभी तक डेथ क्लेम तक नहीं दिया गया। और समझ में नहीं, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं फंड आएगा तब मिलेगा पैसा, पैसा देने का नाम ही नहीं लेते हैं। जी हम लोग परेशान हैं सर। कब पैसा नहीं दिया? कब से पैसा नहीं मिला? 2019 से मैच्योरिटी मेरी पड़ी, अभी तक आज पैसा नहीं दिया गया। 2018 से भी भुगतान है सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अरे वैसे तो 2019 से मेरी डेथ मैच्योरिटी पड़ी सर, वो भी नहीं दिया गया अभी तक। बोलते हैं फंड नहीं है। हम लोग कितने लोग हैं जो पीड़ित? हम लोग तो सर बहुत, कम से कम मान के चलिए पीड़ित में 350 लोग हैं। 350 आदमी हैं ऑलरेडी, और सब लोग लिस्ट बना के आए हैं एसपी कार्यालय में देने के लिए सर जी को, पेमेंट हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। पेंडिंग भुगतान 10 करोड़ के ऊपर। आप लोग एजेंट से भुगतान? एजेंट नहीं सर, पार्टी बॉय मतलब जमा करता है। हम लोग जमा किए हजारों हजार लोग जमा करता है। जिस एजेंट के थ्रू आप लोग ने पैसा जमा किया था, वो एजेंट क्या जवाब दे? वो हर 3-3 महीना टाइम देते जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भी फंड नहीं है, जब फंड आएगा तब देगा। मतलब ऑफिस में ये बता रहे हैं वो लोग कि कहते हैं कि मैनेजर ये कहते हैं कि जब फंड आएगा तब आप लोगों को पैसा मिलेगा। भाई एजेंट भी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बात करते हैं। एजेंट बराबर जा रहे हैं, वो भी आके बताते हैं कि फंड मिलेगा तब मिलेगा। तो आदमी परेशान है, पता नहीं कि 3 साल से फंड नहीं आ रहा है और पैसा देने का नाम नहीं ले रहे सर। अभी क्या मांग करने आए एसपी साहब? अभी यही मांग करने आ गए एसपी साहब से कि मतलब हम लोगों को पैसा दिलाया जाए। जो मैच्योरिटियाँ हो गई हैं 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग पड़ी हैं, तो उनका पैसा सर कृपा करके हम लोगों को मैच्योरिटी दिलाएं। थाने में इसकी आप लोग शिकायत किए सर? अभी तो यही स्टार्टिंग है, इसके बाद जो है तो अब ये सोचते हैं कि अब सर के बाद जो है तो थाने में हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार निगम। कितने की मैच्योरिटी है आपको? मैच्योरिटी सर हमारी कम से कम होगी 18 से 20 लाख की। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।